देश के गलत नक्शे को लेकर भारत और नागरिकों का रुख हमेशा से ही तल्ख रहा है। कहीं भी कभी भी देश के गलत नक्शे को कहीं दिखाया गया तो उसका खुलेआम विरोध होता है। बीबीसी ने भी यही गलती की तो उसे अब माफी मांगनी पड़ी है। बीबीसी ने भारत के गलत मानचित्र के इस्तेमाल पर माफी मांगी और इसे ठीक किया है। दरअसल बीबीसी ने मैप में पूरे जम्मू कश्मीर की सीमाओं को ही गायब कर दिया था, जिसके बाद इंडो ब्रिटिश ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप के अध्यक्ष और लेबर पार्टी के सांसद वीरेंद्र शर्मा ने औपचारिक रूप से बीबीसी को पत्र लिखा था और गलत नक्शे को लेकर जानकारी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के कार्यक्रम अमेरिकी चुनाव 2020 दुनिया भर के देश जो बाइडेन से क्या चाहते हैं, इस कार्यक्रम में ही भारत के गलत नक्शे को दिखाया गया था। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के महानिदेशक टीम डेवी को लिखे पत्र में शर्मा ने इसे काफी अपमानजनक करार दिया है और इसमें जिन संपादकीय दिशा निर्देशों का पालन किया गया था उन पर जवाब मांगा है। इस मानचित्र में अधूरा भारत दिखाया गया। इसमें जम्मू कश्मीर नहीं है जो भारत का अभिन्न हिस्सा है। जम्मू कश्मीर को भारतीय के तौर पर नहीं दिखाया जाना यहां ब्रिटेन में रह रहे लाखों भारतीय और भारत का घोर अपमान बताया गया है। इसमें बीबीसी से इस ग्राफिक्स को वापस लेने और इसे सही भौगोलिक सीमाओं के साथ दिखाने और आने वाले दिनों में ऐसी गलती नहीं करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। इस पत्र के सामने आने के बाद भारत के लोगों ने कई स्तर पर विरोध किया। सोशल मीडिया पर बीबीसी से माफी की मांग की जाने लगी, जिसके बाद बीबीसी के तरफ से माफी मांगी गई है। बीबीसी के एक प्रवक्ता ने कहा है, लंदन में हमने भारत का एक मानचित्र गलत तरीके से ऑनलाइन दिखाया और ये बीबीसी समाचार द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मानक मानचित्र नहीं है। इसे अब ठीक कर दिया गया है, हम माफी मांगते हैं। इसके पहले WHO ने भी ऐसी ही गलती की थी, जिस पर भारत का गुस्सा फूट पड़ा था और ऐसी गलती ना करने के लिए गलती सुधार करने की बात कही गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।